अच्छा होगा बेटा तुम खुद ही आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। आओ बैठो मेरे पास। मैंने अपनी बड़ी बहू तलाश कर ली, बहुत प्यारी है, चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। माँ मैं अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, बस मैंने इरादा कर लिया अब तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैंने उन लोगों को इनवाइट किया घर में, जैसे ही हमारे मामला तय होते हैं छठ मंगनी और पट ब्याह, देखो तो सही। माँ मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते? तुम किसी और को पसंद करते हो क्या? आप जानती हैं उसे। दीना बीना, रूही की बहन। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कहने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था बेटा, तुम्हारी उम्र में उसकी उम्र में फर्क है, और मैं एक ही घर से दो बेटियों को नहीं ला सकती हूँ। देखो बेटा, तुम घर के बड़े हो और बड़ी बहू को समझदार होना चाहिए। बीना में भी बचपना है, वो ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। संभाल लेंगे माँ, आप हैं ना उसे गाइड करने के लिए, और फिर रूही भी है, आप प्लीज एक बार बात तो करें। बात कैसे करूं बेटा, रूही ने बताया है ना कि उसके लिए प्रपोजल आया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा प्रपोजल लेकर उनके घर जाएं। लेकिन माँ मैंने आज तक आपसे जिंदगी में कभी कोई फरमाइश नहीं की, प्लीज मेरी ये फरमाइश पूरी कर दें। बेटा वो लोग नहीं माने के, बात कहकर गवा देना अकलमती नहीं है। बात को ना कहना भी तो समझदारी नहीं है ना माँ। वो क्या कहते हैं क्या फैसला करते हैं ये उन पे छोड़ दे, प्लीज आप एक बार बात तो करें। बात करने से पहले मैं रोही से कहलवाती हूँ, अगर तो उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी तो मैं बकायदा से तुम्हारा प्रपोजल लिख के जाऊंगी।